भिंड जिले की फूट थाना पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग के दौरान वाहन में सवार लोगों से 2,20,000 रुपए की नकद रकम बरामद की। गौरतलब है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से थाना प्रभारी जी आर खरे के निर्देशन में फूट थाने में पदस्थ एसआई जय सिंह यादव उर्फ सिंघम द्वारा बॉर्डर पर कड़ा पहरा लगाया जाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। हमराही पुलिस की मदद से बरही सीमा पर भतापुर, भवनपुरा, ज्ञानपुरा नाकों पर जांच की जा रही है। प्रभारी जय सिंह यादव को कुछ माह पूर्व ही फूट थाने की जिम्मेदारी मिली। बेहद प्र कार्यशैली की वजह से कम समय में लोगों में अपनी पहचान बना ली, जिन्होंने यूपी से आने वाली गाड़ियों से काली फिल्म हटवाई और बीजेपी विधायक की गाड़ी से पार्टी के झंडे उतरवा कर आचार संहिता का पालन करवाने जैसे काम किए। यही वजह है कि असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फूट पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो चुनाव के लिए नहीं है। पहले से, काफी पहले से बाउंड ओवर की कार्रवाई, अपराधियों पर नियंत्रण, अपराध पर नियंत्रण, ये कार्रवाई पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और निश्चित रूप से अभी चुनाव है तो ये जो कार्रवाई है और बढ़ गई है, कई गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एसपी साहब, आईजी साहब और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये मार्गदर्शन और आदेशित किया गया है कि इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाए जिससे अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, तो आगामी समय में भी ये जारी रहेगा। और सर, जो पूर्व में उत्पाद मचाने वाले, जो चुनाव में पूर्व में उत्पाद मचाने वाले अपराधियों पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, लगातार कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं और पूर्व में जिन लोगों ने चुनाव में उत्पाद मचाया था उनको लिस्टेड किया गया है, उनको बाउंड ओवर किया गया है, कैश बाउंड ओवर किया गया है और 122 की कार्रवाई की जा रही है। फूक से अवनीश शर्मा के साथ सुशील शुक्ला की रिपोर्ट।